अजमेर विकास प्राधिकरण की 2200 वर्ग गज जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को गिराने पहुंची जेसीबी। अतिक्रमी परिवार ने किया विरोध, भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में एडीए ने जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त। अजमेर विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के करीब 5.5 बीघा जमीन पर हाथीगढ़ा गांव निवासी जवान सिंह रावत उर्फ जॉन नामक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध पक्का निर्माण करा लिया गया था। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमी ने अवैध रूप से चर्च व इमारत का निर्माण कर रखा था। प्राधिकरण ने आज अतिक्रमी के द्वारा कैचमेंट एरिया पर बनी इमारत को 2 जेसीबी की मदद से तोड़ डाला। अजमेर विकास प्राधिकरण के जोन उत्तर में ग्राम हाथीखेड़ा है, वहाँ पे एडीए की जो स्वामित्व की लैंड है उस पर लगभग 9200 वर्ग मीटर जमीन पे अतिक्रमण करके और निर्माण कर लिया, उसके खिलाफ कर रहे हैं। सर, क्या क्या बना हुआ था इसमें? 2 तो पक्के मकान है और खेती की जा रही है। कोई चर्च की भी मिली? सर, चर्च की बनी है। नीचे अंदर बिल्डिंग में कोई स्टूडियो वगैरह जरूर है। सर, कौन है ये जो कब्जा कर रहे हैं? ये कोई जॉन सिंह रावत है, यहाँ के निवासी है। उन्होंने कर तो क्या इसको पूरा खत्म कर दिया? हाँ, बिल्कुल ऑर्डर है। मैं डीसी हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण। जी सर, किस तरीके की कार्रवाई? ये हाथीखेड़ा के अंदर कोई एडीए की जमीन पे अतिक्रमण का मैटर है, जो एडीए द्वारा जाप्ता मांगे जाने पर हम एडीए की हेल्प के लिए उपलब्ध है। ये एडीए डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह क्या है, एडीए की कौन सी जगह खाली करन। हम केवल एडीए को हेल्प कर रहे हैं और के मौके को पूर्णतः शांति है और शांतिपूर्ण कार्य। ग्रामीणों से समझाइश भी की जा रही है? बिल्कुल सर, जो ग्रामीण है कोई इनको समझाइश करके इनका कोई सामान सटा है तो उसको शांतिपूर्वक उसको निकलवाया जा रहा है ताकि किसी का नुकसान नहीं हो और गरीब खेत का पूरा। कितना हमारे करीब 2-3 थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से पर्याप्त जाता है।